वेलकम टू द YouTube चैनल ऑफ 30 मिनट। हाल ही में RBI ने 2000 के नोट्स का विड्रॉवल अनाउंस किया है। क्या है इसका मतलब? इन नोट्स को कब तक बदला जा सकता है? कैसे बदला जा सकता है? इन्हें डिपॉजिट करने की कोई लिमिट है क्या? आइए जानते हैं। What needs to be done? RBI की अनाउंसमेंट के हिसाब से 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर माना जाएगा, लेकिन पब्लिक को बोला गया है कि वो 30 सितंबर 2023 तक इन्हें या तो बैंक में डिपॉजिट कर दे या फिर छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स के लिए एक्सचेंज कर ले। हाउ टू डिपॉजिट एक्सचेंज द नोट्स। इस वक्त रुपीज 2000 के नोट के डिपॉजिट पर कोई लिमिट नहीं है। एक्सचेंज के लिए आप एक बार में रुपीज 20,000 तक के अमाउंट का एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक्सचेंज करवाने के लिए आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, भले ही आपका अकाउंट वहां ना हो। बस याद रहे कि एक बार में सिर्फ रुपीज 20,000 तक ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। आप RBI के रीजनल ऑफिसेस में, जिनमें इश्यू डिपार्टमेंट हो, वहां भी रुपीज 2000 के नोट्स एक्सचेंज करवा सकते हैं। इस एक्सचेंज और डिपॉजिट के लिए 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का टाइम दिया गया है। इज दिस फ्री ऑफ कॉस्ट? एक्सचेंज के लिए तो कॉस्ट अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि डिपॉजिट पे कोई लिमिट नहीं है, महीने में कितने तक के अमाउंट का फ्री डिपॉजिट किया जा सकता है, ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रुपीज 2000 के नोट के विड्रॉवल के बारे में। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।